स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ और मुझे आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे आप कई लोगों की हेल्प कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं कि आखिर अपडेट है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है यानी NTA, उसने एक जो है टेस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी की है। अब आप हमसे पूछोगे, सर ये नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है क्या? तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि देखो, ये जो आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पर जो न्यूज़ एंड इवेंट वाला कॉर्नर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये नोटिस जारी की गई है 11 अक्टूबर 2021 को, तो इस नोटिस में आपको मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि इसका पर्पज़ क्या है, ये टेस्ट क्यों कंडक्ट किया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूँ कि देखो, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे इंडिया में जो हमारे यहाँ यूथ जो है, स्पेशली अगर हम बात करें यूथ की, सो दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ पर अगर मैं कैरियर रिलेटेड बात करूँ तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग क्लासेस के, वो अलग अलग कोर्सेज में होते हैं, और जैसे ही वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है, स्टिल दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव टू डू इन फर्दर कैरियर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि फ्यूचर में करना क्या है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको नोटिस करनी है कि ये जो पब्लिक नोटिस जारी की गई है, सो अकॉर्डिंग टू दिस पब्लिक नोटिस दे आर इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। सो यहाँ पर रीज़न ये था कि जो राइट कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं उसको एक राइट गाइडेंस मिले और वो कहीं ना कहीं एक बेस्ट जो इंस्टीट्यूशन है उसको मिले, जिसमें वो जाकर और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो अपना कोर्स है वो कर पाए, और साथ ही साथ उसमें जो बेसिक फैक्टर्स हैं जिनका यहाँ पर ध्यान रखा गया है वो ये है कि यहाँ पर देखो, इसमें टेक्निकल स्किल, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल थिंकिंग, ग्रोथ माइंडसेट, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एडाप्टेबिलिटी, ये सारे के सारे जो है इसके द्वारा यानी इस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा जो आपका कैंडिडेट यानी कि जो स्टूडेंट है या एस्पायरेंट है उसका यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, और इसके बेसिस पे उसको जो पॉसिबल जो फ्यूचर गाइडेंस है यानी कि उसे फ्यूचर में कौन सा कोर्स करना है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है, ये सारा का सारा जो है अपडेट है वो NTA के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड होगा। तो आप ये कहोगे कि भाई इसका मतलब कि ये फ़ायदा तो इसका है, लेकिन हमें क्या करना होगा, कैसे इसको अप्लाई करना है। तो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग मैं अगर बताऊँ तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी 11 अक्टूबर से इसका जो डेट है फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, और 18 अक्टूबर 2021 ये है आपका लास्ट डेट। तो इस डेट के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर देखो, जो अवेलेबिलिटी ऑफ मैनुअल जो है वो आपको मैं बता दूँ कि नोटिफिकेशन जैसे मैंने दिखाया था वो 11 अक्टूबर को ये जारी की गई है। यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी की भी बात आती है, तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, ठीक है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर आप देखो जो है, पूरा का पूरा जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा उसको लगभग 4 लेवल में डिवाइड किया गया है। मतलब यहाँ पे एज ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो लेवल 1 है उसमें 13 से लेकर 15 साल के, और लेवल 2 में 16 से 18, और लेवल 3 जो है आपका यानी 3 उसमें 19 से 21, और लेवल 4 यानी कि 4 जो है उसमें 22 से 25 साल के जो आपके कैंडिडेट्स हैं या स्टूडेंट्स वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डेट्स हैं, दो डेट्स दी गई हैं एग्ज़ाम की, 23 अक्टूबर 2021 एंड 24 अक्टूबर 2021 यानी सैटरडे एंड संडे। और यहाँ पे एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा 120 मिनट का यानी 2 घंटे का, और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन होगा 11 से 1 बजे और 4 से लेके 5 यहाँ पे 6 बजे के बीच में। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। तो वो है आपका इंटरनेट बेस्ड टेस्ट होगा, और ये अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी आप टेस्ट दे सकते हो या अपने लैपटॉप के थ्रू भी इस टेस्ट को आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर और जो आपका एग्ज़ाम जो होगा ना, टाइमिंग ऑफ एग्ज़ाम वो अपने हिसाब से चुन भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो थी पूरी पूरी अपडेट थी, और इससे रिलेटेड अगर फर्दर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख के मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।
और साथ ही साथ मैं आपको लिंक भी दे दूंगा जिसके थ्रू आप अप्लाई भी कर सकते हो फॉर द नेशनल एबिलिटी टेस्ट, ओके, या नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो फ्रेंड्स यही था आज का अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।